अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आयशा और आप देख रहे हो मेरा चैनल फूड विद आयशा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी है खीर की, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बादाम ले लिए हैं जो हम बाद में गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आप खीर मिक्स का डिब्बा देख रहे हो, ठीक है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो दूध मैंने 1 लीटर ले लिया था जिसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया, ठीक है। इसमें हमने 1 पैकेट खीर मिक्स का ऐड कर देना है, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद आपने इसको हल्की आंच पे पहले थोड़ी देर पका लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको हल्की आंच पे पकाओगे, ठीक है, और आपने हाथों को बिल्कुल नहीं रोकना है। आपने इसमें चम्मच जो है चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करते रहो। ये देखें, थोड़ी देर के बाद जो है ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। ये बहुत ही जल्दी रेसिपी तैयार हो जाती है। आप आधे घंटे में इसको बना के मेहमानों के सामने पेश कर सकते हो। ये देखिए, अब मैंने इसको हाई फ्लेम पे रख दिया है पकने के लिए। ये पकना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ये देखिए, गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद मैंने इसको फिर से लो फ्लेम पर पकाया है और ये हल्का हल्का जो है पकने वाली रह गई है और ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है, ठीक है। काफ़ी हद तक जो है ये पक चुकी है। इसको आप पकाते रहें थोड़ी देर, ठीक है। ये अब बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इसको अब मैंने डिश आउट कर लिया है, ठीक है। इसको डिश आउट करने के बाद आप इसको ऊपर से प्रेस कर दो ताकि ये ऊपर से बिल्कुल इक्वल हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम इसको बादाम के साथ गार्निश करेंगे जो मैंने आपको दिखाए थे स्टार्ट में बादाम, ठीक है। ये देखें, मैं इसको गार्निश कर रही हूँ पहले बादाम के साथ, ठीक है। ये देखें, ठीक है, तो ये पूरे पूरे बादाम के साथ इसको पहले गार्निश किया। उसके बाद मेरे पास क्रश्ड बादाम थे, इसके ऊपर मैंने वो क्रश्ड बादाम लगा दिए, ठीक है। ये देख सकते हो, तो आप इसको फाइनल लुक देख सकते हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और प्रेस आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।